साइबर सिटी गुरुग्राम में अब कंपनियों में महिलाओं के साथ हो रहा सेक्सुअल हरासमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि एलसीसी की चेयरपर्सन रश्मि खेत्रपाल ने महिलाओं के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है और अब उन सभी जगहों पर पोस्टर लगाने अनिवार्य कर दिए हैं जहां भी महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं इस पोस्टर की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की और एक कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया गया। वहीं एलसीसी की चेयरपर्सन रश्मि खेत्रपाल का कहना है कि भारत में पहली बार इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस 2013 में इस एक्ट को लागू किया गया था। मॉल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कंपनी, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस, इन जगह पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगने चाहिए। लेकिन किसी भी फैक्ट्री, एमएनसी, कंपनी में इस तरह के पोस्टर नहीं लगते हैं और ना ही महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्हें किस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठानी है ताकि उनको इसका न्याय मिल सके। तो ये पोस्टर्स जो हैं ये इंडिया में पहली बार एक ऐसे हमने नई सोच शुरू करी है कि जो पॉश है, पॉश इज़ क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, तो उसकी प्रिवेंशन, उसकी अवेयरनेस और उसकी रिड्रेसल के लिए ये तीन पोस्टर्स हमने बनाए हैं। क्योंकि ये एक्ट एक नया एक्ट है, 2013 में ही ये एक्ट लागू हुआ था और इस एक्ट के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी, हर इस्टेब्लिशमेंट, हर फैक्ट्री, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, उसको अपने यहाँ पर इस तरह के अवेयरनेस के पोस्टर्स लगाने होते हैं। तो जब मैंने ये एज अ चेयरपर्सन गुरुग्राम का लिया पोस्ट, तो मैंने रियलाइज़ किया और मेरी काफ़ी सारी कॉर्पोरेट्स में बात हुई कि 90% ऑफ द कॉर्पोरेट्स इस तरह का पोस्टर नहीं लगाते थे। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि उनके लिए प्रॉब्लम है कि कहाँ से क्रिएटिव बनाया जाए, क्या कंटेंट दिया जाए, कहाँ पर से प्रिंटिंग करवाई जाए, तो ये उनके लिए कभी भी एक प्रायोरिटी नहीं थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आई गई है तो क्यों ना हम इसका सोल्यूशन निकालें। और फिर मैंने हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और साथ ही राव इंद्रजीत जी से चर्चा करी इस विषय में और हम एक सोल्यूशन पे पहुँचे कि हम एक इस तरह के स्टैंडर्डाइज चार्ट्स पूरे गुरुग्राम में हर इस्टेब्लिशमेंट में दे देंगे ताकि सारे इस्टेब्लिशमेंट्स इस चार्ट्स को अपने यहाँ पर लगा सकें और इस एक्ट के बारे में अवेयरनेस महिलाओं तक पहुंच सके। तो बड़ी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, आज तीन में से एक महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट उसके वर्कप्लेस पर हो रही है। ये डाटा जो है ये अवेलेबल और नोटेड डाटा है, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आती। क्यों? एक उनके अंदर हिचक होती है कि हम ये बोलेंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी और दूसरी महिला भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करती, उल्टा उंगली उठाती है। और साथ ही पुरुषों को ये पता ही नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं कई बार उससे किसी महिला को कितनी पीड़ा पहुँच रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पोस्टर्स बनाए गए ताकि महिलाएं अपने राइट्स को समझ सकें, पुरुष ये जान सके कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और अगर फिर भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे कैसे रिड्रेसल करना चाहिए, कहाँ पर उसको जाके कंप्लेंट करनी चाहिए और कहाँ पर उसको न्याय के लिए अपील करनी चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम की चकाचौंध में महिलाओं के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हालांकि कम नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से अब जगह जगह पोस्टर लगाकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास जरूर पैदा होगा कि अब उन्हें न्याय की आस इस प्लेटफॉर्म पर जाकर मिल सकती है और अब महिलाएं बिना किसी रुकावट के अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं।